नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं YouTube टेक्नो। दोस्तों मेरे पास में है किया सोल ईवी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी रेंज है तकरीबन 450 किलोमीटर। चलिए पूरी गाड़ी दिखाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर्स हैं तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube टेक्नो को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने से लुक इसका किस तरीके का है। यहाँ आपको सामने ही किया की जो बैजिंग है यानी टचेबल लुक है जो मिल जाता है, और चार्जिंग का सॉकेट दोस्तों यहाँ कुछ इस तरफ से दिखता है। मैं आपको थोड़ा साइड प्रोफाइल गाड़ी का दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप रेंज 450 किलोमीटर सी इलेक्ट्रिक जो है ये लिखा हुआ है। और अगर हम अंदर से बात कर लेते हैं दोस्तों तो अंदर से कुछ किस तरह की दिखती है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका दोस्तों एक टच स्क्रीन तक के आसपास का टच स्क्रीन जो है लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो ड्राइव मोड्स हैं वो है रन, न्यूट्रल और शायद ये पीछे का वेटिंग का है। और आप इधर से भी देख सकते हैं ये हमारे जीप ऑफ लाइफ सर जो है अपना लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ टच हैं इसके, और यहाँ पर आपको ट्यूटर वगैरह लग जाते हैं, और यहाँ पर एसी के वेंट्स जो हैं दोस्तों दिए गए हैं। साइड विंडो की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ स्पीकर्स का जो है प्लेट है यहाँ पर प्रॉपर लेदर फिनिश है गाड़ी को दी हुई, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है इसका जो इसके ग्लासेस को कंट्रोल करता है। अगर बात कर ले दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ इस तरीका दिखता है, और सामने से आप देखेंगे तो इसका जो स्टीयरिंग है उस पर भी आपको कंट्रोल्स दोस्तों जो है मिल जाते हैं। साथ में उस तरफ आपको जो एसी वेंट है वो मिल जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पर भी जो कंट्रोल्स हैं गाड़ी के कुछ ना कुछ मिलते हैं। यहाँ पर भी लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं दोस्तों। साथ में आप अगर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो एसी के कंट्रोल्स हैं ये, और यहाँ पर भी कुछ फैन वगैरह की स्पीड के कंट्रोल्स, और साथ में जो इसके हीटिंग और ये कुछ दूसरे फंक्शंस हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं ग्लास होल्डर्स वगैरह, और साथ में यहाँ पर भी कुछ आप अपना मोबाइल वगैरह जो कुछ रखना चाहे रख सकते हैं। और बिसाइड इट अगर आप बात कर लें यहाँ पर भी आपको जो है ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और काफी गहरा है मैं सही बात बताऊँ तो। और अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके शीशे के, यानी कि आप शीशा आगे पीछे जो कुछ भी करना है करो अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। बिसाइड इट ये जो शीशा है दोस्तों यहाँ मिलता है आपको, ऑटोमेटिक मिरर है तो यहाँ आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। और साथ में दोस्तों यहाँ मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर, और देखते हैं ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर, जी हाँ ड्राइवर साइड भी जो है आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। साथ में यहाँ पे लाइट्स वगैरह है जो कि आपका यूज कर सकते हैं जब कभी भी आप जैसे जोत पड़ जाती है। तो साथ में एसी वेंट्स यहाँ दिए गए हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपके कुछ कंट्रोल्स जो है गाड़ी के दिए हुए हैं। बिसाइड इट चलते हैं पीछे की सीट पर, लेकिन उससे पहले चलते हैं दिखा देता हूँ आपको इसका ग्लव बॉक्स यहाँ वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ग्लव बॉक्स ऑलरेडी है, और चल के मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ ये कुछ गाड़ी किस तरह की दिखती है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर भी कुछ फीचर्स इसके जो है लिखे हुए हैं, इसे डायनेमिक और सस्टेनेबल फ्यूचर जो कुछ भी है ठीक है। अपना यहाँ चलते हैं सोल के अंदर, और ये आप देख सकते हैं साइड से भी बाहर की तरफ से भी आप जो फिनिशिंग है लेदर की वो काफ़ी जो प्लास्टिक है वो काफ़ी मतलब ब्लैकिश फिनिश है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको लेदर दिया हुआ है, और अगर पीछे की बात करते हैं दोस्तों बेस्ट पार्ट लगा मुझे पीछे भी आपको जो है आर्म रेस्ट दोस्तों यहाँ पर जिसके अंदर आपकी जो ग्लासेस वगैरह रखने की जो जगह है वो आपको मिल जाती है। और साथ में अगर हम बात कर ले दोस्तों तो यहाँ भी आपको तीन 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 यानी कि तीन पैसेंजर्स के लिए आपको जो है हेड रेस्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी, तो लॉन्ग रूट पे दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। सामने बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक लाइट दी गई है जिसको आप अपने हिसाब से जलाना चाहें जलाएं, बंद करना चाहें बंद करें, आपकी मर्जी है दोस्तों। यहाँ पर ऑन कर देते हैं जैसे थोड़ी लाइटिंग आ रही है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मिलता है आपको 12 वोल्ट का अडाप्टर, यानी कि अगर आपको गाड़ी को चार्ज करना है, मतलब गाड़ी को क्या चार्ज करना है दोस्तों, अपने फोन को चार्ज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चले दिखाता हूँ गाड़ी के पीछे का लुक, उससे पहले दिखा देता हूँ गाड़ी का जो दरवाजे पे स्पीकर जो है दोस्तों वो यहाँ से आपको मिल जाता है, और साथ में आपको बोतल होल्डर्स भी दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलग दिखाता हूँ सामने से पीछे से इसका लुक, तो दोस्तों पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह की दिखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल ईवी लिखा हुआ, यानी कि ये तो आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे ग्रीन कलर की आ जाएगी, तो ये तो वो है। लेकिन इसके अलग यहाँ पे आपको सोल की बैजिंग जो है वो मिली है, और यहाँ पर इको इलेक्ट्रिक जो है वो भी लिखा हुआ। साथ में इसकी जो बेस्ट पार्ट है दोस्तों इसकी लाइट्स बहुत बड़ी है, और ये पूरे फ्रेम पर ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि चारों तरफ है, लेकिन ये हिस्से को छोड़कर दोस्तों ये हिस्से पर लाइट्स नहीं है, बस ये लाइट्स यहाँ से लेके पूरे लाइट्स जो है वो दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ में आपको दिखा दूं आपको चार
रियर सेंसर जो है, बैक सेंसर वो मिल जाते हैं, और पीछे जो है आपको रिफ्लेक्टर्स भी दोस्तों गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया डील मुझे लगी गाड़ी की, और देखने में मैं सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उस पर भी मैं एक बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ इसका जो है मोटर, और मोटर कुछ किस तरीके का इसका दिखता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मोटर कुछ इस तरीके का है, अगर आप बात करें तो स्पेशियस है, काफ़ी खुला खुला लगेगा। खैर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो या तो आपको डीजल गाड़ियों का जो है बोनट वो भरा भरा लगेगा, अदरवाइज तो पेट्रोल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दोस्तों थोड़ा सा खाली सा रहता ही है। फिलहाल आपके सामने है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स की। तो डिटेल्स में अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी जो है वो टोटल 5 पैसेंजर्स की है, और अगर मोटर पावर की बात करें तो 150 की जो पावर ये देता है, और मोटर टॉर्क जो देता है वो 40.3। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों 64 किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर, जो लिथियम लॉन्ग पोलरर बैटरी, और इसकी रेंज है दोस्तों 450 किलोमीटर, जो कि एक बहुत बढ़िया विकल्प है। 0 से 80% चार्ज जो दोस्तों वो ये 100 किलोवाट के उस पर करीबन 60 मिनट में दोस्तों हो जाती है। तो दोस्तों ये है टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी किया सोल, देखने में यार वाकई एक्चुअल में बहुत सुंदर, और साथ में अगर हम टायर की बात भी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी इसको 17 इंचेस के टायर जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत मोटे और बहुत बड़े टायर्स हैं। तो दोस्तों ऊपर की तरफ से ब्लू और नीचे की तरफ से वाइट कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत अच्छा है गाड़ी का, और अगर मैं सामने से एक बार और इसका लुक भी दिखा ही देता हूँ कि भैया सामने से भी कुछ किस तरह की दोस्तों ये दिखती है। तो ये सामने से इसका लुक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये गाड़ी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आ जाती है यार तो थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा वेट करने के बाद तो एक गाड़ी आपके सामने आ ही जाएगी किया के शोरूम पर। कैसी लगी वीडियो दोस्तों मुझे बताइएगा जरूर, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना दोस्तों, लेकिन बेल आइकन भी जरूर दबाना जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आएगी। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।